Hello everyone, today I am going to start the lecture 6 on the topic of dual form of government in Bengal. इससे पहले हमने अपने 5 लेक्चर कंप्लीट किए हैं. अगर आपने वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए. हमने सीरीज वाइज अपने लेक्चर बनाए हैं. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि दो इसमें गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई थी कहाँ पर, बंगाल में, और जो प्रेजिडेंसीज थी, ठीक है, उनमें उनको देखेंगे. तो अब देखते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट हमारा ग्रांट ऑफ दीवानी, मतलब कि दीवानी को ग्रांट किया गया था किसको, कंपनी को. तो देखते हैं उसको कैसे ग्रांट किया गया था और क्यों किया गया था, ठीक है. व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, देखिए जो कंपनी थी 1757 में उसने एक युद्ध लड़ा था किससे, प्लासी से, और वो जीत भी गई थी प्लासी से, ठीक है. और एक और युद्ध लड़ा था 1764 में जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, ठीक है. ये आप युद्ध सुने ही होंगे जिनको कंपनी की तरफ से लड़ा गया था. ओके, अगर इनको और डीपली जानना है तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं या फिर मैं इनके ऊपर भी वीडियोज़ बना दूंगा. अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर आप बता सकते हैं, ठीक है. देन दैट इट गॉट द सुप्रीम अथॉरिटी दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. देखिए इसको, उसके जब ये दोनों युद्ध जीत चुकी थी कंपनी, तो उसके बाद यह एक सुप्रीम अथॉरिटी बन गई थी. कौन, कंपनी, ठीक है. ईस्ट इंडिया कंपनी सुप्रीम अथॉरिटी बन गई थी और इसको दीवानी ग्रांट कर दी गई थी. किसमें, कौन सी प्रेजिडेंसीज में, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, तीनों में, ठीक है. तीनों में इनकी दीवानी इनको ग्रांट कर दी गई थी. एक दीवानी, एक दीवानी का मतलब होता है जो टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है, रिवेन्यू जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उनको आगे देखेंगे हम. इंग्लिश सर्वेंट रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 द गवर्नमेंट फॉर्म्ड वॉज कॉल्ड डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. 1765 में जो गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको इंग्लिश सर्वेंट रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है, 1765 में, जिसको कहा जाता था डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब इसके रीज़न को देखते हैं. रीज़न फॉर इस्टेब्लिश्ड द डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको किस रीज़न से इस्टेब्लिश की गई थी. इसके दो रीज़न थे, कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे, ठीक है, उसके पास पावर आ गई थी दीवानी की कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है, ठीक है. और सेकेंड हमारा नवाब ऑफ बंगाल, निज़ामत, जिसको बोलते हैं निज़ामत, ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. इसके पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी, जिसको जो निज़ामत थी नवाब बंगाल था, इसको भी कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया गया था और उसके पास कंपनी के पास पहले से एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी. और जब इसने प्लासी के जीता तो उसके पास दीवानी राइट पे आ गए, ठीक है, तो इनके पास दो राइट हो गए. ओके, आफ्टर गेनिंग द दीवानी, ये इससे पहले अभी मैंने अभी बताया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, दोनों आ गए थे ना, तो ये डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फॉर्म में इस्टेब्लिश हो गई थी, ठीक है. आफ्टर गेनिंग द दीवानी द पोजिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज चेंज कम्प्लीटली. जब दीवानी राइट्स कंपनी को मिल गए थे तो फिर इनकी पोजीशन ही बिल्कुल चेंज हो गई थी, किनकी, कंपनी की, इंडिया में कंपनी की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गई थी. इन दीवानी अदर देन टैक्स कलेक्शन देर यूज टू बी सम पार्ट ऑफ जस्टिस. देखिए इनके पास दीवानी राइट्स है और इसके अलावा वो जो जस्टिस था, मतलब कि यहाँ पर जस्टिस से रिलेटेड वो अपने मतलब कि केसेस को भी देख सकती थी, ठीक है, इसमें भी कुछ पार्ट था उसका जिसको यूज़ कर सकती थी कंपनी, ठीक है, यहाँ तक कि उसके पास टैक्स कलेक्शन का तो राइट था ही और वो जस्टिस में भी पार्ट लेती थी, ठीक है. बट एट दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट एबल और नॉट इन द कंडीशन टू एग्जीक्यूट द फंक्शंस ऑफ दीवानी. लेकिन कुछ ऐसा समय था इनके पास जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी एबल नहीं थी, मतलब कि इनके पास कुछ ऐसी कंडीशन थी जो इनके इनको जो दीवानी के फंक्शन थे उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही थी. इस वजह से इन्होंने दैट्स वाई दे प्रेफर टू अपॉइंट द नेटिव फॉर दिस पर्पज टू इट अपॉइंटेड. इस वजह से इन्होंने
कुछ नेटिव्स अपॉइंट किए थे जो इनकी हेल्प करते थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी जो इनको राइट्स मिले थे इसमें इनकी हेल्प करते थे कौन, नेटिव्स, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया था। अब इनको दो तरह से, दो जगह पर अपॉइंट किया गया था, इन बंगाल इन बिहार, ठीक है। बंगाल में देखते हैं मोहम्मद रजा खान, ठीक है, ऑल्सो इस्टेब्लिश ऑफिस इन बंगाल इन मुर्शिदाबाद, मोहम्मद रजा खान को अपॉइंट किया गया था बंगाल में, और इसका ऑफिस कहाँ पर था, मुर्शिदाबाद में, बंगाल में, ठीक है। और जो हमारा दूसरा है इन बिहार, राजा शिताब रॉय को अपॉइंट किया गया था पटना में, ठीक है। ये दोनों इसी कंपनी के अंडर वर्क करते थे, जो जो नेटिव्स होते थे ये नेटिव्स के रूप में ही अपॉइंट होते थे, मतलब कि नेटिव के एरिया होता है जो इन्हीं के एरिया में से अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सो लाइक दिस द कंपनी गोट हिज अथॉरिटी ओवर बोथ दीवानी एंड नजामत, तो इस वजह से कंपनी के पास दोनों राइट आ गए थे, कौन कौन से, निजामत और दीवानी, ये दोनों अथॉरिटीज़ किसके पास आ गए थे, कंपनी के। हाउ, ये कैसे आई थी, ठीक है। एट द टाइम द नवाब ऑफ बंगाल वॉज माइनर, जो नवाब था अभी हमने देखा था कहाँ पर, ये देखिए नवाब हमने कहाँ पर देखा था, नवाब हमने इसको मतलब कि इसको पॉइंट किया था कंपनी ने, ठीक है, इसको आप भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नवाब इसमें नहीं था, वो दूसरे वाले में था। एट द टाइम नवाब वॉज ऑफ बंगाल वॉज माइनर, जो नवाब था वो उसको अपॉइंट किया गया था बंगाल में, और उसके पास मतलब कि जो ये माइनर था इस वजह से ये अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा था अच्छे से, दैट्स वाई ही वॉज अनेबल टू परफॉर्म हिज ऑल दी ड्यूटीज, ठीक है। सो देयर मोहम्मद रजा खान वॉज गिवन ऑल द पावर्स ऑफ नायब सूबेदार एंड लाइक एंड ही वॉज कंट्रोलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स ऑफ बंगाल, तो इसी वजह से मोहम्मद रजा खान को अपॉइंट किया गया था किसके रूप में, नायब सूबेदार के रूप में, ठीक है, एंड ही वॉज कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स ऑफ बंगाल, और फिर वह एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था, उसके पास पावर आ गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ठीक है। ये भी हमने देखा था ना यहाँ पर बंगाल, मोहम्मद रजा खान ये कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया गया था, ठीक है। और जो यहाँ का राजा था नवाब, नवाब ऑफ बंगाल, वो माइनर था, 18 साल से जो कम उम्र के होते हैं ना उनको माइनर कहते हैं, ठीक है। इस वजह से वो अच्छे से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, ठीक है, ये समझ में आ गया। एंड इन दिस वे ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम एबल टू पुट हिज कंट्रोल ओवर बोथ दीवानी एंड निजाम, तो इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी एबल हो गई थी कंट्रोल करने में, किसको, दीवानी और निजामत को कंट्रोल करने में, ठीक है। द नवाब कुड नॉट रिमूव मोहम्मद रजा खान एंड राजा शिताब रॉय फ्रॉम देयर पोस्ट, जो नवाब था बंगाल का, तो वो उसके पास पावर नहीं थी किस चीज़ की, मोहम्मद रजा खान को और जो राजा शिताब राय था उसको मतलब कि रिमूव कर दे अपने पोस्ट से, उसके पास नवाब के पास पावर नहीं थी क्योंकि वो तो एक माइनर था, ठीक है। इस वजह से कंपनी ने इनका इसका फ़ायदा उठाया था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लिया था। फॉर दिस ही वॉज नीडेड टू टेक परमिशन फ्रॉम कंपनी, अगर उसको इनको रिमूव ही करना था तो नवाब को परमिशन लेनी होती थी किससे, कंपनी से, ठीक है। After few days of the working of this dual form of government, there were seen certain problems in it. जब dual form of government establish हो गई थी उसके कुछ दिनों बाद इसमें कुछ problems आ गई थी, problem तो आई थी क्योंकि इसमें काफ़ी biasness थी और अच्छे से ये working नहीं, और इसमें अच्छे से working नहीं होती, ठीक है। इसमें company के पास सिर्फ power थी और किसी के पास थी नहीं, ठीक है, दोनों ही power, दोनों में ही, एक तो निजामत में और एक दीवानी में, दोनों में company के पास power थी, इस वजह से इनको अच्छे से इसमें वर्किंग नहीं हो पा रही थी, तो प्रॉब्लम तो इसमें आती है। इन 1765 रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस दिस डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने इसमें इंट्रोड्यूस किया था डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। द वन मेजर डिफेक्ट ऑफ दिस सिस्टम वॉज दैट द कंपनी वॉन्टेड टू कलेक्ट मोर एंड मोर टैक्स, इसमें एक सबसे मेजर डिफेक्ट क्या था, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही थी, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही थी वो कंपनी कर रही थी, और वैसे भी दीवानी की जो मतलब दीवानी के जो जितने भी मतलब दीवानी कोर्ट भी थी और वो सी के अंडर काम वर्क करती थी कंपनी के, ठीक है, और दीवानी राइट्स भी कंपनी के पास थी, इस वजह से इसने टैक्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया था।
इट डिड नॉट गिव एन इम्पोर्टेंस टू अदर मैटर ऑफ द टेरिटरी। तो ये किसी और को इम्पोर्टेंस ना देकर ये अपने आप को और ज़्यादा मतलब कि पावरफुल इसका प्रॉफिट लेती है, पावरफुल बना दे अपने आप को, ठीक है। इट्स ओनली वॉज टू अर्न मोर प्रॉफिट, और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहती थी कंपनी। तो वैसे भी इसीलिए इस्टेब्लिश की गई थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सके, और लोगों का इसमें एक्सप्लोटेशन भी और था कुछ, ठीक है। द टर्म दीवानी वॉज यूज फॉर द फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेड द कलेक्शन ऑफ रिवेन्यूज एंड कस्टम्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिविल जस्टिस। देखिए जो दीवानी टर्म है इसको यूज़ फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और जो कलेक्शन होता है रिवेन्यू कलेक्शन उसको कलेक्ट करने का इसका वर्क होता है, ठीक है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस। ओके क्लियर, तो चलिए आगे चलते हैं। प्रॉब्लम अरोज, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसमें जो ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको प्रॉब्लम्स को अब हम देखते हैं। पब्लिक वेलफेयर वॉज टोटली इग्नोर्ड एंड एवरीवन ट्राइड टू एक्सप्लोर द सिचुएशन टू हिज बेस्ट एडवांटेज। इसमें पब्लिक का कोई वेलफेयर नहीं था, इसमें टोटली इग्नोर्ड किया गया था पब्लिक के वेलफेयर को, और एवरीवन जितने भी पीपल्स थे उनको एक्सप्लोइट किया जा रहा था, ठीक है। और जो कंपनी थी वो अपने आप को एडवांटेज मतलब कि अपने आप को और भी ज़्यादा अच्छे से वर्किंग करें और लोगों को और भी ज़्यादा ताकि टैक्स ले सके, वो अपने आप को लाभ पहुँचा रही थी और लोगों को क्या नुकसान। द सेकेंड रीज़न वॉज दैट द कंपनी हैड पावर बट नॉट ऑब्लिगेशन। देखिए दूसरा रीज़न ये था कि कंपनी के पास सबसे ज़्यादा पावर थी और इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा वेरी डेंजरस दिस लॉज, ठीक है, बिकॉज इसमें कंपनी के पास ही पावर थी और किसी पास थी नहीं, तो इसमें कोई अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता था कंपनी के अगेंस्ट, ठीक है। द इंडियन ऑफिशियल्स हैड नो इफेक्टिव पावर टू एनफोर्स देयर डिसीजन, नॉट कुड दे डेयर टू टेक एक्शन अगेंस्ट इंग्लिश सर्वेंट्स ऑफ कंपनी। जो इंडियन ऑफिशियल्स है जिनको ऑफिशियल्स ने अपॉइंट किया गया था अपनी पोस्ट पे, जो इंडियन ऑफिशियल्स थे उनके पास कोई राइट नहीं था कि वो जो इंग्लिश सर्वेंट्स थे उनके अगेंस्ट कोई डिसीजन दे सके या उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सके, ठीक है, उनके पास भी कोई इफेक्टिव पावर नहीं थी। करप्शन एंड ब्राइबरी वॉज इंक्रीजिंग फास्टली। जो इसमें ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में करप्शन और ब्राइबरी बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे थे, ठीक है। इवन द नेचुरल कैलेमिटी लाइक फैमिन ड्यूरिंग 1770-1771 मेड द सिचुएशन वर्स्ट, और 1770-1771 इन बिटवीन दी जो क्रिमिनल सॉरी इसमें जो फैमिन क्राइसिस थी इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी, ठीक है। दस द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन 1765 बाय रॉबर्ट क्लाइव, इट डिड नॉट प्रूव टू बी अ सक्सेसफुल वेंचर। इस वजह से जो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की थी, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की थी, ये सक्सेसफुल नहीं रही और ये प्रूव भी हो गया कि ये सक्सेसफुल नहीं थी, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर ये यहीं पर कंक्लूड होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए और हमारे जितने भी अभी तक लेक्चर कंप्लीट हुए हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, साइड में ही यहाँ पर हमारी लिंक आ जाएगी, आप इस पर जा करके हमारी सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।